क्या कर रही है मम्मी आप? मम्मी गेहूं धोने लगी, मतलब कि छठ पूजा की तैयारी शुरू हो चुकी है। पहले मम्मी गेहूं को साफ की है, जो ईंट कंकर पत्थर था वो सब निकाली है। उसके बाद अभी गेहूं को धो रही है। छत को पहले धोई थी बहुत अच्छे से, उसके बाद गेहूं धोना शुरू की है। और उसके बाद इस पे, इस कपड़े पे गेहूं को डालेंगे मम्मी, धूप में सुखाएंगे। लल्ला देखो ना बेटा, देखो देखो ना, नानी छठ पूजा की तैयारी शुरू कर दी। देखो गेहूं धुला रहा है। गेहूं देखी है आप? गेहूं नहीं ना देखी थी? आप गेहूं नहीं ना देखी थी बेटा? देख लो गेहूं कैसा होता है। देखो देखो नानी गेहूं धो रही है। छठ पूजा की तैयारी शुरू कर दी नानी। हाँ आप रो रही है बेटा, देख रहे हो? देख रहे नानी क्या कर रही है? देखो ना बेटा नानी क्या कर रही है। नानी गेहूं डाल रही है सूखने के लिए। नानी गेहूं धो भी ली, सूखने के लिए भी डाल दी, और आप रोते रह गई। गंदी बच्ची बन गई आप। अभी बड़ी मुश्किल से मैं लल्ला को सुला पाई हूँ। लल्ला हमारी जल्दी सोती ही नहीं है, बट शायद थक गई है रोते रोते, इसलिए सो गई है। खिड़की से धूप आ रही है, इनको बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी नींद आ रही है, मतलब धूप आ रही है तो। और इधर हमारी बेबी सोना भी सो रही है, ये भी बहुत मुश्किल से सो पाई है, जल्दी ये भी नहीं सोती है। दोनों लोग सो रही हैं तो इधर मम्मी लोग काम पे लग गई हैं। मम्मी गेहूँ पिसना शुरू कर दी हैं। ये जो गेहूँ पिसा रहा है, इसका आटा ठेकुआ बनाने के लिए, हमारे छठ महाप्रसाद में ठेकुआ जो बनता है, वही ठेकुआ बनाने के लिए आटा पीस रही हैं मम्मी और पूनम मिलकर। फिर मैंने भी थोड़ा सा हेल्प किया, मैं नहा धो के आई, मैंने कहा मम्मी से कि मैं भी थोड़ा सा पीसती हूँ, क्योंकि पिछले साल बेबी पेट में थी तो मैं बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरा बेड रेस्ट था। इस साल क्या हो रहा है ना, बेबी रोने लग जा रही है, तो इस साल भी मैं कुछ भी काम नहीं कर पाई, कोई हेल्प नहीं करा पा रही हूँ। थोड़ा सा ही मैं गेहूँ पीसी थी, तब तक बेबी रोने लगी, तो फिर चांदनी आ गई। चांदनी पीस रही है, मतलब ऐसे ही बारी बारी से, कभी मैं, कभी पूनम, कभी चांदनी। मैंने तो बस 5 मिनट ही पीसा होगा। पूनम और चांदनी और मामे मिलकर ही सारा गेहूँ पीस। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी जो आप लोग क्लिप देख रहे हो, ये नहाए खाए के दिन का है। सुबह जैसे ही मैं उठ के आई, मैंने देखा कि मम्मी सिलबट्टे पे मसाला पीस रही है, क्योंकि आज नहाए खाए कद्दू भात है, तो आज के दिन जो भी मसाला यूज होता है खाने में, वो सब मम्मी सिलबट्टा पे पीस के ही डालती है, और साथ में सेंधा नमक में बनता है खाना, क्योंकि आज का जो खाना है ये व्रत वाला ही खाना। आज से पहला व्रत, मतलब छठ पूजा का पहला दिन स्टार्ट हो चुका है, इसीलिए आलू गोभी की सब्जी बना रही है भाभी, और साथ में इधर कुकर में दाल चढ़ा दी है, और यहाँ पे मम्मी ने चावल बनाया है। चावल का मार पसा रही मम्मी, क्योंकि हम लोग के यहाँ चावल हांडी में ही बनता है, तो मम्मी बोलती है कि मैं ही मार पसा दूंगी, क्योंकि भाभी या चांदनी कोई भी और करेगा तो डर लगता है। इधर हमारा कद्दू की सब्जी जो है, चना दाल डाल के, वो बन चुका है। मम्मी और भाभी दोनों लोग मिलके बना रही हैं, सास बहू मिलके खाना बनाती है, मुझे सच में बहुत खुशी होती है देख के। बस छठी माता करे कि ऐसे ही प्रेम बनी रहे दोनों सास बहू के बीच में। और बस उसके बाद खाना बनने के बाद मम्मी यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करने लगी हैं। आज से मम्मी का छठ पूजा का पहला व्रत शुरू हो चुका है, तो आज तो मम्मी खाना, मतलब प्रसाद ग्रहण कर रही हैं। इधर हमारे हस्बैंड जी, मतलब कि बेबी के पापा जी, ये भी खाना खा रहे हैं, कद्दू भात, मतलब कि दाल चावल और लौकी चना की सब्जी और आलू गोभी की सब्जी जो बनी थी। और इधर हमारी लल्ला एप्पल खा रही हैं। आप लोग में से किसी ने कमेंट बॉक्स में पूछा था कि बेबी की दांत आई कि नहीं अभी, तो बेबी की दांत आ चुकी है, लगभग 15 दिन पहले ही बेबी की दांत आ चुकी थी, लेकिन मैं आप लोग से बताना भूल गई थी, तो अभी इसी ब्लॉग में आप लोग को दिखा रही हूँ। ये देखिए हंस रही है बेबी, तो दांत दिख रहा है, गौर से देखिए, आप लोग दांत दिखेंगे। अच्छे से दिखाती ही नहीं, मैं बोलती हूँ लल्ला दिखा दे, नहीं छूने ही नहीं देती है। ये देखिए दांत दिख रहा है, दिख रहा है आप लोग को? 6 दांत आए हुए हैं, मतलब अभी आ ही गया है, अच्छे से अभी निकले नहीं है, अभी धीरे धीरे जा रहे हैं। चौक मार्केट बेबी को लेके चांदनी और पूनम आके चली गई है। लल्ला अपने मौसी के गोदी में मार्केट आए हैं तो खूब खुश है। रोड पे गाड़ी दिख रहा है, गो 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 कर रहे हैं। गो 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 बाजार में आ जाते हैं, हम बहुत खुश होते हैं, है ना लल्ला? अभी मौसी की गोदी में, गो 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 लल्ला लल्ला। बेटा देखो नानी चली गई, नानी चली गई ना, चली गई ना नानी? आप रो रहे थे इसलिए नानी चली गई। नानी गई नीचे, गई ना नानी नीचे आपको छोड़ के, आप रो रहे हो इसीलिए। देखो पूरा मार्केट में कितना भीड़ है, देख रहे हो? चारों तरफ मार्केट में भीड़ भीड़ है, पूरा मार्केट भरा हुआ है, देख रहे हो? पूरा मार्केट में कितना भीड़ है छठ के लिए। चंदन मामा आ भी गया, आप बोलते तो हम रुको आते उसको। नहीं रोते हैं, देखो ना बेटा, देखो मार्केट में, देखो देखो कितनी सारी गाड़ी चल रही है, देखो देखो ऑटो चल रही है, ऑटो ऑटो, देखो साइकिल साइकिल,
देखो कार जा रही है, कार देख रहे हो आप, रो रहे हो सिर्फ, गंदी बच्ची बन गए हो आप। देखो ना मौसी और नानी चूड़ी खरीद रही है, देखो बेटा देखो देखो ना मौसी और नानी चूड़ी खरीद रही है। लल्ला बेटा क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो बेटा, शाम हो चुकी है, चलो छत पर से नीचे। ये देखिए शिव जी को हम उठा के फेंक दिए हैं, खेल रहे हैं शिव जी के साथ। नानी यहाँ पे पूजा करती हैं इनकी, और ये सब छेट छाट के रख रही हैं, खेल रही हैं। लल्ला चलो बेटा नीचे, बेटा नहीं अभी हमको खेलना है, खेल रहे हैं हम तो खेल रहे हैं अभी, मम्मा अभी हम नहीं जाएंगे, अभी हम खेल रहे हैं। उठ जा, खड़ी हो जा, खड़ी हो जा बेटा, खड़ी हो जा, खड़ी हो जा बेटा। वहाँ पे दिया दूल रखे हैं, ले जाके यहाँ से उठा के, खड़ी हो जा बेटा, फिर हम शिव जी को उठा रहे हैं। देखिएगा कैसे खड़ी हो जाएंगे, खड़ी हो जा बेटा, लल्ला खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जा बेटा। अभी हम खेल रहे हैं, इधर आसमान में सूरज भगवान डूब गए हैं, चंद मामा निकल चुके हैं। चलो बेटा नीचे, मच्छर काटेगा अब, चलो बेटा नीचे चला जाए, मच्छर काटेगा छत पे। चांदनी क्या कर रही है, तो चांदनी अभी जो पापा सब्जी लेके आए हुए हैं मार्केट से, उन सब को निकाल के टोकरी में रख रही है। और इधर हमारी पूनम कद्दू काट रही है, मतलब लौकी काट रही है। और इधर हमारी मम्मी लगी हुई है खाना बनाने में, क्योंकि हमारी भाभी अभी घर पे नहीं है, तो इसलिए मम्मी चांदनी और पूनम मिलकर ही खाना बना रही है। भाभी गई हुई है भैया के साथ और सोना के साथ शॉपिंग करने, छठ पूजा की शॉपिंग। तो इधर मम्मी खाना बना रही है, आलू और गोभी की सब्जी, मतलब सेम चीजें जो सुबह में बनी थी ना वही सब चीजें बनने वाली है फिर से, और फिर से वही प्रसाद। चुटुर दिखा तो क्या लिए हो, अच्छा खाना लिए हो। सबसे पहले मम्मी गाय को खाना खिलवाती है, उसके बाद साधु बाबा को देती है, तब घर वालों को खाना खाने देती है। साधु बाबा को सुबह में मिल गया, रात में साधु बाबा खाना खाते नहीं। गौ माता जय हो, गौ माता। इतना पास चंदन ही जा सकता है, हम नहीं जा सकते, हमको बहुत डर लगता है। अरे बाप रे, बछड़ा को खिलाने गया, खिला दिए, गोबर गोबर गोबर। डर नहीं लगता तुमको? हमरा तो बहुत डर लगला। का है रुस गलू, का रुस गलू, काहे खिया दिले को कर बबुआ के, खाला खाला तारे बबुआ के न खिलालवा, खाला खाला गौ माता, खा लगली शान के दिन तब खा, शान के खाई हम, हमारा सने आवेला। तो हमारी सोना अपने मम्मी पापा के साथ मॉल में शॉपिंग करके आ चुकी है। अभी देखिए सोना का नौटंकी चल रहा है, बाबा इधर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, नहाए खाए के शाम वाला जो प्रसाद है, और चंदन इधर घोड़ा बन के सोना को खिलाने में लगा हुआ है। लगभग 3-4 घंटे से गई हुई थी सोना अपने मम्मी पापा के साथ शॉपिंग करने, तो किसी का भी मन नहीं लग रहा था घर में। ये देखिए चांदनी आप लोग को ड्रेस दिखा रही है, सोना का ड्रेस जो खरीदा के आए, स्वेटर्स खरीदा के आए हैं और कुछ स्वेट शर्ट वगैरह, मतलब ठंडी के ही ड्रेसेस खरीदा के आए हैं। अभी छठ पूजा के घाट पे जाएगी तो पहनेगी। और इधर हमारी मम्मी सुबह की तरह ही फिर से प्रसाद ग्रहण कर रही हैं, मतलब आज का पहला व्रत संपन्न हुआ। आज के ब्लॉग यहीं पेंड करूँ, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग।